चेनानी नाशरी टनल वे प्राइवेट लिमिटेड। कश्मीर में क्या चल रहा है? कश्मीर में तो बहुत कुछ चल रहा है। निकलो जी, निकलो निकलो निकलो। ओ तेरी कितना पानी है। सो सारिया नू सस्या काल और डीजी का सलाम उधमपुर से। तो भाई साहब, कल की जो जर्नी थी काफ़ी हेक्टिक रही और हम पहुंचे थे इस होटल, होटल का नाम क्या था? ये डॉल्फिन। हाँ जी, तो होटल का नाम था होटल डॉल्फिन और यहाँ पर हमें जो रूम था वो पड़ा 1800 रुपये का। वैसे यहाँ पर 2400 रुपये हमें बताया गया था, लेकिन फिर बार्गेनिंग वगैरह थोड़ी सी करी तो हमें पड़ा 1800 रुपये का। रूम काफ़ी अच्छा था। कल वाले वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया था कि भाई रूम कैसा है, मतलब छोटा सा एक रूम टूर दे दिया था बाथरूम वगैरह का भी। तो अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये उधमपुर में। बाकी आज हम जा रहे हैं सोनामर्ग, जो कि यहाँ से 290 या 300 किलोमीटर है। और भाई साहब, एक नंबर का जो लैंडस्केप है वहाँ का, वो मुझे बहुत भाता है। और मैं सोच रहा था पहले कि यार वहाँ पर 4-5 दिन रुकूं, लेकिन हमारी जो RT-PCR है उसकी वजह से हमें फटाफट उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो आज चलते हैं सीधा सोनामर्ग और दिखाते हैं आपको ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नज़ारे। और हाँ, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जर्नी जो है वो हमारी स्टार्ट हुई थी दिल्ली से। पहुंच गए। ये लोग सोचेंगे कि भाई हम हेलमेट पहन के क्यों नीचे आए हैं। आ गया सारा सामान। बारिश तो नहीं हो रही है, देख पहले है। ओ भाई साहब, ये तो सीन हो रखा है, तगड़ी आ रही है लग रहा है। निकलेंगे कैसे? रात से हो रही है ना, जैसे आप अंदर से आ रहे हैं उसी वक्त शुरू हो गया। भाई बादल पूरा का पूरा भरा पड़ा है, देखो निकलना तो है ही, हरा तो आप रुक नहीं सकते। और इसने एक बेवकूफ़ी रात को ये करी कि स्लीपिंग बैग भाई साहब यहीं पे छोड़ दिया और ये पूरा गीला हो चुका है। मैंने रात को बोला भी कि भाई भाग के फटाफट निकाल ला जब बारिश शुरू हुई थी, लेकिन भाई भागा ही नहीं। तो ये खड़ी अपनी बाइक्स, भाई की 390 एडवेंचर, मेरी टाइगर। बाकी मौसम यार वैसे तो बहुत सेक्सी हो रखा है, लेकिन बारिश हो रही है तो थोड़ा सा चलाने में भी दिक्कत होगी, रोड पर फिसलन होगी। तो आराम आराम से जाएंगे, डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन भाई क्या करें, अब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये ज़रूरी है भाई। चलो जी, जय माता दी, निकला जाए। आज एंगल सही है, मैंने अपना जो जे माउंट है वो लगा दिया है, तो मस्त वाली फुटेज आने वाली है अब। चलो हाँ, क्या ठंडी ठंडी हवा लग रही है यार, क्या ठंडी ठंडी हवा लग रही है, मज़ा आ रहा है भाई। सुबह सुबह की ये जो ताज़ी हवा है ना, अंदर तक रिफ़्रेश कर देती है। पेटीएम है भैया? पेटीएम बढ़िया, फिर तो पेटीएम से पे कर देंगे, फुल कर दो। यहाँ पे कितने रुपए? 96.50। ओ बाप रे भाई साहब, बहुत बढ़िया तेल, कई जगह तो 100 पार हो गया है। ये मेरे हैं मेरे। काश मैं गांधी जी होता, आज मैं करोड़ों का, करोड़ों नहीं अरबोंपति मालिक होता। पठानकोट 160 है, धार 127, रामकोट 52। अरे हम उल्टा तो नहीं जा रहे, यहीं से आए थे हम। चल चल चल, तो यहाँ से हम आए थे जब सिटी में एंटर किया था, और यहीं से ऊपर चढ़ना है रोड पर, मेन हाईवे पर।
आ गए मेन हाईवे पे। ये देखो क्या नज़ारे भाई, क्या नज़ारे हैं। श्रीनगर उधमपुर सिटी इधर, और सामने का नज़ारा देखो, पूरा धुला पड़ा है, ठंडा पद्दर, ठंडा पद्दर इस जगह का नाम है जो कि अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। मौसम ने बहुत साथ दिया है अभी तक तो, क्योंकि कल भी बारिश का मौसम था, लेकिन भाई साहब बारिश हुई नहीं और पूरी रात बारिश हुई है और अब बंद हो गई है। होप्सो कि बारिश ना मिले तो हम इजीली सोनामर्ग पहुंच जाएंगे आज। ये देखो भाई क्या नज़ारे हैं यार, क्या नज़ारे हैं। जब पिछली बार पृथुदा और मैं यहाँ से निकले थे ये डिफरेंट लद्दाख सीरीज़ में, तब भाई साहब ऐसा ही मौसम था और जगह जगह झरने निकले हुए थे, वो भी एक अलग ही लेवल की सीरीज़ थी। और इस सीरीज़ में भाई और भी ज़्यादा डिफरेंट कुछ करने वाले हैं, पता चलेगा आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और फिर कुछ सरप्राइजेज भी हैं जो कि आपको मिलेंगे इस पूरी सीरीज़ में। मुझे लग रहा है कि हम गलत घुस गए। निकल जाएगी, ओहो क्या बोल रहे हैं? ओ भाई साहब इधर से कहाँ से खींचो 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 खींचो, बस चल। उधर से घूम के जाते हैं उस रास्ते से, देखते हैं कि आगे निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। ये नहीं निकलेगी भाई, तुम तो निकल जाओगे, पंगा नहीं लेना ना, पंगा नहीं लेना, पंगा नहीं लेना। फिर है नहीं, फटाफट निकल लो, चलो आप आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड आपके पास दिखाओ। फाइनली छोड़ तो दिया उन्होंने, और अंकित जाके पूछ के आया कि भाई जाने दो क्योंकि हमारी जो RT-PCR है उसका टाइम निकलता जा रहा है। ओहो भाई साहब क्या हवा चल रही है और बाइक एक तरफ जा रही है। रास्ता इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है यहाँ का, सी जगह जगह पानी चल रहा है और कीचड़ है। आराम से भैया आराम से, सारी कीचड़ कीचड़ हो गई है, पूरा ही समंदर हो गया यहाँ तो भाई, पूरा ही समंदर हो गया। देखो यहाँ पर काम भी चल रहा है तुड़ाई फुड़ाई का, और यहाँ की जो मिट्टी है पूरी की पूरी लाल है यार। अपने जो जूते हैं ये देखो, जूते भी ख़राब हो चुके हैं। निकलो जी निकलो निकलो निकलो, ओ तेरी कितना पानी है, ओ भाई 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 भाई, ये ट्रक वाला भी सीधा ही लेके आ गया। हे गाय माता थोड़ा सा रास्ता दे दो तो निकल जाए हम, हमारी बाइक थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी है और आवाज़ भी करती है, तो ये भागने को भाग रही है, डर भी रही है थोड़ा सा। कोई नहीं धीरे धीरे निकल जाते ताकि इन्हें परेशानी ना हो। सो फाइनली हम चेनानी टनल में प्रवेश करने वाले हैं, नज़ारे बहुत शानदार हैं। और ये जो टनल है दोस्तों एक इंजीनियरिंग मार्वल आप बोल सकते हैं, चेनानी नाशरी टनल वे प्राइवेट लिमिटेड, चेनानी नाशरी टनल वे लिमिटेड। ये क्या बात है, क्या बात। ओहो टाइगर क्या रोर कर रहा है भाई, क्या रोर कर रहा है मस्त वाला। सी अमेजिंग टनल है भाई, अमेजिंग टनल है। ये आ गए हम बाहर, करीबन 10-15 मिनट लग गए हमें बाहर निकलने में। ए पॉइंट वो था, बी पॉइंट ये है। क्या हुआ,
खड़ी कर दे। पिछवाड़े में भी दर्द हो गया यार, कल भी इतनी ज़्यादा बाइक चलाई, आज भी जगह ही नहीं है यार। क्या बोल रहे हैं, रास्ता ब्लॉक है? बाइक की क्या हालत हो गई, पूरी मिट्टी 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 मिट्टी, लाल मिट्टी है पूरी की पूरी, और पूरा रेडिएटर ग्रिल पर भी मिट्टी है, पाइप पे भी मिट्टी है, टायर पूरे लाल हो गए हैं, हालत ख़राब हो गई है बाइक की। सोनामर्ग है, जब मैं आपके आगे होता हूँ हाँ, मेरे को डर लगता है यार, पीछे कहीं डीजी भाई निकाल लेंगे भारी बाइक है, और जब आप मेरे आगे हो तो अबे यार कैसे निकाल रहे हैं, मैं निकाल यही होता है भाई साहब। 2 घंटे पहले मैंने आपको बताया था ना कि जाम लगा हुआ है, तब से हम चले जा रहे हैं। मैंने हज़ारों ट्रक बोले थे, लेकिन अभी तक भाई इतने ट्रक देख लिए, मैंने ज़िंदगी बिता दी घूमते घूमते, इतने ट्रक नहीं देखे मैंने कभी किसी रूट पे, मतलब खड़े हुए। हालत डाउन हो गई है, टेम्परेचर अप होता जा रहा है, वाट लग गई है पूरी। नहीं कोई नहीं, इतनी देर बाद हमें कोई जगह मिली है जहाँ पर थोड़ी देर हम बैठ सकते हैं, और आपको दिखाता हूँ कि हमारी बाइकें कहाँ पर हैं। ये है रामबन रेजेंसी है शायद कोई, नीचे हमारी बाइकें खड़ी हैं, और हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं। हमने ऑर्डर किया है, एक मिनट बता देता हूँ आपको, हमने ऑर्डर किया है राजमा चावल, ज़्यादा कुछ है नहीं ऑप्शन। हाँ, ये भी किस्मत अच्छी है कि मिल गया। सो गाइस, 1:22 हो चुके हैं, हम पहुंचे हैं रामबान। बेसिकली यहां पर हमने अपना जो लंच है वो किया है, और शाहजहान रेस्टोरेंट के पास है, तो यहां पर हमने लंच किया, राजमा चावल वगैरह खाए। सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था, और उसके बाद जब हमें खाना मिला तो भाई हम टूट पड़े। क्यों? बिल्कुल यार इसके लिए भी कि पिछले 5 किलोमीटर से हम ढूंढ रहे कि कुछ खाना मिल जाए, सारी दुकानें बंद है। और अगर आप इस साइड आते हैं तो ज़रूर अपनी गाड़ी में या फिर बाइक में, जहां पर भी जगह हो, कुछ ना कुछ खाने का ज़रूर रखिएगा, जो एनर्जी बूस्टर्स वगैरह होते हैं, चाहे चॉकलेट हो, टॉफ़ी हो, जो भी मिले आपको थोड़ा बहुत डाल के चलिएगा। और यहां पर हमने यही गलती कर दी, 225 किलोमीटर है सोनामर्ग यहां से, और हमें आज पहुंचना ही, क्योंकि हमारी जो RT-PCR की रिपोर्ट है वो थोड़ी सी लेट नहीं आई थी, जल्दी आ गई थी एक्चुअली, हम थोड़ा सा लेट निकले थे। छोटी गाड़ी निकालना ज़्यादा आसान है, अगर डोमिनार होती ना आराम से निकाल लेता मैं। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे खाई सीधी, भाई साहब क्या क्या कर रहे हैं हम भाई साहब सीधा नीचे बंदा तो नहीं, मैं रुक रहा था ना, रुक जाते हैं। पहले मैंने सोचा नहीं निकलूं, वो बहुत पास था, बिल्कुल टच हो गया था। हाँ, आज की जो रोड कंडीशन थी वो आपने देखी, और अभी क्या है कि जो रोड है ये वाला, इसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं, पहले कीचड़ थी अब गड्ढे ही गड्ढे। ओहो, तो सोनम वांगचुक का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था शायद, मेरे ख्याल से उस पर एप्लीकेशन हो रहा है। यहाँ पर कोई ग्लेशियर वगैरह होगा, तो होगा क्या कि ऊपर से जो बर्फ़ है वो पिघल के सीधी नीचे चली जाएगी और रोड ब्लॉक नहीं होगा। वाओ, हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर कि अमरनाथ जी का लंगर लगता है। पिछली बार जब हम आए थे यहां पर हमने लंगर वगैरह खाया था, और एक रात यहां पर रुके थे क्योंकि जो आगे टनल है वो बंद मिली थी। ये देखो पूरा मीडोज ही मीडोज है चारों तरफ, सी गजब। तो यहां पर रजिस्ट्रेशन हो रही है, नाम वगैरह लिखेंगे या फिर एड्रेस वगैरह जो भी है, बाइक का नंबर लिख लेंगे शायद, एक्चुअली रिकॉर्ड रखना पड़ता है इनको कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। नाम बताना है, दीपक गुप्ता। हाँ ले, 999 गाड़ी का नंबर है 4962 62। अभी कुछ पता ही नहीं है हाँ, अच्छा इसका फ़ोटो उठाना है, ओके ओके थैंक यू सर। तो यहाँ पर एक पर्चा लगा रखा है, यहाँ पर नंबर्स हैं, इमरजेंसी नंबर्स हैं, अगर कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पर
कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हेल्प मिल जाएगी। मिल जाएगी सर? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। चल भाई चल, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। जय हिंद सर। ये क्या बात है, BRO creates, connects and cares, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू सर। ये एक और टनल, और ये काफ़ी लंबी टनल है। आज की ये दूसरी टनल है, पहली थी चेनानी और ये है कौन सी थी भूल गया मैं। यहाँ तो भाई आर्मी आर्मी लगी हुई है। पीछे जवाहर टनल थी, दिल्ली दिल्ली। ओके, तो पीछे वाली जो टनल थी वो थी जवा। हाँ हाँ, आराम से। ओ छोटू, आराम से आराम से, भाई बोल रहा था। ओ छोटू आराम से, इनका जो बोलने का तरीका है ना, जो लहजा है थोड़ा सा कड़क है। क्या बोल रहे हैं? क्या भाई, ठीक हो? कहाँ से आए हो? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ क्या चल रहा है? कहाँ से आए? कश्मीर में क्या चल रहा है? कश्मीर में तो बहुत कुछ चल रहा है। बहुत कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है बताओ। चलो, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन तो पूरे देश में चल रहा है। यहाँ पे भी वही चल रहा है। आ गया अंकित भी। आप यहीं से हो? यहाँ से ही हो? ओके, लद्दाख। चलो बैठा लेते तुम्हें इस पे। क्यों चले? ओके, नहीं नहीं नहीं, बस अब निकलेंगे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए अभी? यहाँ पे कश्मीर में जो बाहर आते हैं या कई देश से आते हैं वो मेहमान ही होते हैं। ये दिल्ली नहीं है, सिडनी निकालेगा। भाई क्या बोल रहा है, ये दिल्ली नहीं है। क्या बोल रहे हो? नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता भाई। सुनो सुनो, हाँ सुनो तो सही। चलो घर चलो, मैं भी दिल्ली वाला हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि किडनी निकाल लेते हैं। हाँ ये होता है कि थोड़ी बहुत भाई इधर उधर, अच्छे इंसान भी होते हैं बुरे भी होते हैं हर जगह। मैं बहुत बार आ चुका हूँ कश्मीर। नहीं भाई आज तो जाना है, हमें जाना है सोनामार्ग। ये पहुंच गए हम डल लेक, सामने डल लेक है। ओहो क्या खूबसूरत नज़ारा है यार सामने का। लेट्स सी कि परमिशन मिलती है कि नहीं। तो भाई अंकित भाई का दोस्त आ चुका है, हम डल लेक पहुंच चुके हैं। बेसिकली हम ट्राई कर रहे हैं कि ड्रोन की परमिशन मिल जाए यहाँ पर उड़ाने की। तो SPO ऑफिस जा रहे हैं कहीं, देखते हैं जैसे भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो अभी तक जो RT-PCR है वो हमारी सिर्फ लखनपुर में चेक हुई है, वो भी मेरी हुई थी, अंकित निकल गया था। तो ये डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई आप अपनी RT-PCR रिपोर्ट वगैरह लेके ज़रूर चलिएगा। हाँ हाँ हाँ, वो तो है। नहीं नहीं अच्छा होगा, अच्छा होगा। हाँ नहीं, हर जगह टूरिस्ट कम हुआ है ना। कोई नहीं, लॉकडाउन के बाद खुलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमें जो ड्रोन की परमिशन है वो नहीं मिली है। बेसिकली
जो ऑफिसर है वही नहीं मिला, तो ड्रोन उड़ा नहीं सकते। अगर ड्रोन यहाँ पे उड़ाया विदाउट परमिशन तो हो जाएगा सीज। वेख लो जी वेख लो, डल के नज़ारे वेख लो। भाई सीरियसली यार, मेरा तो बहुत मन है यहाँ पर रुकने का, लेकिन कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, हमें निकलना ही निकलना है। फॉरेनर्स भी आए हुए हैं। अरे स्माइल पास कर रही थी मास्क के अंदर, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। हमारी वाइफ मारेगी अगर ये व्लॉग देख लिया तो। गिर जाएगा, लग जाएगी भाई, लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। अरे भाई रोक लिया इन्होंने, रोक लिया। चलो यार, चलो 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 चलो। ओए होए क्या बात है, क्या बात है यार। चलो जी ओके भाई। लोग यार यहाँ के बहुत सही है, बहुत सही, वैसे ही बदनाम कर रखा है। और थोड़े वो तो हर जगह मिलते ही हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी तक जो मुझे मिले हैं, जितनी बार भी मैं कश्मीर आया हूँ, भाई मज़ा आता है इनके साथ बात करने में। खुशी होती है, खुशी अंदर से खुशी होती है, और आपको इनवाइट करते हैं खाने पे, चाय पे, मतलब अल्टीमेट वाली मेहमान नवाजी है। लो भाई पहुँच गए सोनमर्ग, वेलकम टू सोनामर्ग। ओए अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा, वेलकम टू सोनामर्ग तो लिखा हुआ है। तो 4 किलोमीटर बचा है हमारा जो होटल है यहाँ से, ये तो नहीं है। लीजिए पहुँच गए हम होटल बर्ज़मान, और हमारी जो ब्रेकें हैं वो चू 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 कर रही हैं। 11:20 ना कोई नहीं, हमने इजी वे चुना ना, धीरे धीरे आए। ये आ गया अपना फेवरेट होटल, होटल बर्ज़मान। सो गाइस, आज का जो व्लॉग है काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं नहीं चाहता और इसको खींचा जाए, तो फटाफट इसको एंड करते हैं। अगला व्लॉग देखना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार होने वाला है। तो चलिए आज का व्लॉग एंड करते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड सायोनारा। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, हालाँकि थोड़ा सा लंबा था। Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Fango en la reggaeton pa' mí, que muñeca. Me gusta salir y se dosis.